अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, वेलकम टू फूडी मूवी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत अच्छी और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी। आज हम बनाएंगे चिकन मैक्रोनी बहुत आसान तरीके से और बहुत इजीली आप लोग ये बना सकते हैं और इसमें ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। तो चलिए देख लेते हैं इसमें हम क्या क्या इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने चिकन लिए, ये तकरीबन आधा पाव के करीब है बोनलेस है। उसके बाद यहाँ पे सॉसेज में मैंने चिली सॉस लिया है, सोया सॉस है, और जो है मसालों में मैंने नमक लिया है, गरम मसाला अगर आप लोग चाहें तो ऐड करें, अगर ना चाहें तो ये आपकी मर्जी है, और मैंने काली मिर्च ली है। उसके बाद यहाँ पे गाजर है, तकरीबन दो दरमियाने साइज की गाजर है मैंने, जो इस तरीके से ये देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से मैंने बारीक बारीक काटनी है। उसके बाद ये मैक्रोनी है मेरे पास तकरीबन एक कौली के करीब, और ये शिमला मिर्च मैंने एक मीडियम साइज की है, जो इस तरीके से मैंने बारीक बारीक काटी है। ये देख सकते हैं आप, बहुत आसान रेसिपी और बहुत झटपट तैयार हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं जी, चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। रेसिपी शुरू करने के लिए हमें चिकन बॉईल करना होगी सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं मैंने पानी रख दिया, हमने जो चिकन ली थी बोनलेस वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और जो है ये बॉईल करते वक्त जो है तकरीबन हंसते जाएगा इसमें नमक डाल दें, क्योंकि जब चिकन बॉईल करेंगे तो जो उसमें कहीं फीकेपन का जायका ना रह जाए, इसलिए हंसबे जाएगा इसमें नमक ऐड कर दिया मैंने। ये आप देख सकते हैं हमारी चिकन हमने रख दी बॉयल होने के लिए। जब तक ये बॉयल होती है हम वेट करते हैं, फिर हम आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हमारी चिकन बॉयल हो चुकी है, अब बारी है मैक्रोनी बॉयल करने की। तो अब जब हम मैक्रोनी बॉयल कर लेते हैं, ये एक कौली के करीब मैंने मैक्रोनी ली थी जो मैंने इसमें डाल दी है। एक और चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग ने कभी मैक्रोनी बॉयल की होगी तो कभी कभार आप लोग ने देखा होगा जब उसको आप लोग ठंडा करते हैं तो मैक्रोनी आपस में जुड़ जाती है। इससे वो इसका एक हल ये है कि आप जब मैक्रोनी बॉयल करने रख गए तो उसमें थोड़ा सा तेल शामिल कर दें। इससे ये होगा कि मैक्रोनी बॉयल जब होंगी उसके बाद जब आप उसको ठंडा करेंगे तो वो आपस में जुड़ेंगी नहीं और चिपकेंगी नहीं। ये इसमें तेल मैंने डाल दिया, ये देख सकते हैं आप हमारी चिकन बॉयल हो चुकी थी। अब हम इंतजार करते हैं जब तक हमारी मैक्रोनी बॉयल होती है, फिर हम आगे की रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारी मैक्रोनी बॉयल हो चुकी है, और यहाँ पे जो है मैंने चिकन बॉयल जो की थी उसका मैंने इस तरीके से रेशा करके, ये देख सकते हैं आप। अगर आप लोग को रेशा पसंद नहीं है तो आप लोग छोटे छोटे पीस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैक्रोनी मैंने जो बॉयल की थी बिल्कुल भी नहीं जमी है, और जो है कितना अच्छा परफेक्ट लुक आया इसका। तो मेरी चिकन भी बॉयल हो चुकी है और मैक्रोनी भी। जी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा तेल हो चुका है अच्छी तरीके से गर्म। अब बारी हम इसमें हमने जो सब्जियां काट के रखी थी वो हम इसमें डालेंगे। ये सबसे पहले गाजर, उसके बाद यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च काट के रखी थी वो इसमें डालूंगा। ये जो है इनको ज्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सुनहरा हल्का ब्राउन करना है, इससे इनका कच्चापन चले जाए। ये देख सकते हैं आप तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, ये हमने इसमें ये डाल दिया। उसके बाद जो है जो मसाले रखे थे मैंने वो हम इसमें डालेंगे। नमक जो है तकरीबन हाफ टेबल स्पून के करीब डालेंगे, या फिर आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। काली मिर्ची 1 चम्मच के करीब डालूंगा मैं इसमें। उसके बाद जो है गरम मसाला अगर आप लोग चाहें तो जायके के लिए डाल सकते हैं, मैं आधी चम्मच गरम मसाले की इसमें डालूंगा। ये मैंने मसाले इसमें ऐड कर दिए, इसको पहले हम 1-2 मिनट 1 मिनट के करीब हम इसको भूनेंगे ताकि जो है मसालों का कच्चापन अच्छी तरीके से खत्म हो जाए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये अब बारी हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, ये हमने चिकन बॉईल करके रखी थी, ये हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन हम ऐड करने के बाद जो है इसको दोबारा हिला लेंगे। उसके बाद जो है चिकन हमारी बॉईल हुई थी इसलिए इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देख सकते हैं आप कितना परफेक्ट और रंग बिरंगा कलर लग रहा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब बारी इसमें हम सॉसेज डालेंगे। जो है मैंने सॉसेज में आपको दिखाया था मेरे पास जो है सोया सॉस था, सोया सॉस तकरीबन 1 चम्मच के करीब डालेंगे। उसके बाद मेरे पास है चिल्ली सॉस, अगर आप लोग चिल्ली सॉस ज्यादा पसंद करते तो ज्यादा डाल लें, मैं सिर्फ 1/2 चम्मच डालूंगा। चिल्ली सॉस शामिल कर दिया इसमें मैंने, ये देख सकते हैं आप लोग कितना परफेक्ट कलर आया, कितना बेहतरीन किस्म का कमाल की खुशबू आ रही है इसमें से। बारी है मैक्रोनी डालने की, ये हम इसमें मैक्रोनी ऐड कर देंगे। ये देख सकते हैं आप लोग मैक्रोनी शामिल कर दी हमने इसमें। अगर आप लोग चाहते हैं जायका और अच्छा करने के लिए तो आप लोग इसमें चाट मसाला शामिल कर सकते हैं जायके के लिए।
और ना आपके ऊपर, अगर आप लोग नहीं पसंद करते तो आप लोग चाट मसाला शामिल नहीं करें। ये देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा और बेहतरीन किस्म का लुक आ रहा है। बस इसको 1 से 2 मिनट पकाएंगे ताकि जो है ये हमने जो मैक्रोनी इसमें डाली है इसमें कलर आ जाए। उसके बाद जो है इसको हम डिश आउट करेंगे। अब मिलते हैं हम डिश आउट पे। जी तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी मैक्रोनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और कलर भी देख सकते हैं कितना परफेक्ट कलर आया है। ये आप घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। घर में आप इसको तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से और बहुत हाइजेनिक तरीके से साफ सुथरे माहौल में, और ये बच्चों को भी पसंद होता है तो आप लोग जो शाम के टाइम पे स्नैक्स के तौर पर ये इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ये बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मुझे दें आज के लिए इजाजत, दुआओं में याद रखें। कब मिलते हैं नई रेसिपी में, जब तक खुदा हाफिज़।